पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहां संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा, बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो और शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर अपनी कामना कर बाबा का स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो स्मरण कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो, वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ, उसकी चौखट पर जाकर कहना बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो। शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना, ठीक है? आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को, बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का